अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सी, बड़ी चीजी सी आपके लिए लेकर आई हूँ, चिली चीज बाइट्स। तो बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पर ली है मिच्योर जो चेडर चीज होती है, ये वो है मेरे पास, जिसको मैंने लिया 250 ग्राम्स। एग ली है मैंने 2, और ये मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, और मैंने लिया ब्रेड क्रम्स। ये मैंने फिलहाल हाफ प्याले लिए, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना फ्राई करना है। ये मैंने बुलेट ग्रीन चिलीज ली हैं, 3 अदद मैंने ली थी, और इनको मैंने बारीक कट किया है। और ये एलिपिनोज हैं, 8 से 10 अदद आप ले सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको कितना ज्यादा चिली फ्लेवर चाहिए, और इन दोनों को आपने बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। अच्छा, आपको डीप फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो कढ़ाई में डाल दिया। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। अच्छा जी, एक मैंने ये देगची ली है, इसमें मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है, और ये जो चीज वाला बॉल है ये मैं इसमें इस तरह से प्लेस कर दूंगी। चीज आप देखिए, इसको मैं प्रेस करती हूँ तो ये थोड़ी सी हार्ड है, तो जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और इसमें हमें बाकी चीजें जो है वो मिक्स करना इजी होगा। तो ये हमें 3-4 मिनट लगेंगे, तो मैं इसको रखती हूँ, और इसको आप देखते रहें कि ये बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाए, बस इसको हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अच्छा जी, तो अब अगर आप देखें तो तकरीबन 5 मिनट में चीज जो है वो सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप चम्मच से देखिए, आराम से टूट रही है। तो अब इसको मैं उतार लेती हूँ चूल्हे से, और इसमें मैं बाकी चीजें शामिल करती हूँ। जी, तो यहां मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ग्रीन चिलीज और एलिपिनोस। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो आप ज्यादा ऐड कर रहे हैं, आपको कम स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो आप इनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और अब आप इसको अच्छे से चीज में मिक्स कर लें। अच्छा जी, तो ये आप देख लेंगे बिल्कुल मिक्स हो गया, और मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, जितनी देर में हम इसको देंगे शेप। तो आप इसके बॉल्स भी बना सकते हैं, जो भी शेप आप देना चाहें। तो मैं इतना सा आप तकरीबन ले लें, और मैं इसको ये शेप देने वाली हूँ, ठीक है। और ये मैं उतनी देर में ऑयल गर्म हो जाएगा, और मैं इन सबको शेप दे लेती हूँ। इस तरह से जी, तो ये बाइट्स मैंने इनको शेप दे लिए। अब हम इसको करेंगे मैदे में डिप, और उसके बाद करेंगे एग में डिप, और फिर हम इस पे अच्छी तरह से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अब अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं, तो जब आप इनको ब्रेड क्रम्स लगा लें, तो यहां पर आप इसको इस उसमें आने के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो जितने मैंने फ्राई कर दिए इस वक्त मैं उनको कर लेती हूँ, और बाकियों को मैं ब्रेड क्रम्स लगा के फ्रीज कर लूंगी। जी, तो ये मैंने सब पर लगा लिया है, मैदा, एग और ब्रेड क्रम्स, और अब मैं इसमें से कुछ फ्राई कर लूंगी और कुछ मैं इनको फ्रीज कर लूंगी। जितना मटेरियल मैंने यूज किया है, इतना मटेरियल यूज करते हुए आप तकरीबन 16 to 18 बाइट्स बना सकते हैं। तो चले इन्हें फ्राई करते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने ऑयल को ऑलरेडी गर्म कर लिया, मैं इसका फ्लेम कर लूंगी हाई, क्योंकि आप इसको हाई फ्लेम पर कुक कर दें, और ये मैं इसमें डालती हूँ इसमें। ये बड़े क्विकली हो जाएंगे कि आप इसको अंदर से कुछ नहीं कुक कर दें, और बस आप इनको अच्छा सा जो है वो गोल्डन सा कलर देना है, बिल्कुल ये 2 से 3 मिनट में जो है ये कुक हो जाएंगे। अगर आपका अच्छे से गर्म है आपका ऑयल, तो बिल्कुल इसको 2 मिनट लगेंगे और ये कुक हो जाएंगे।
अगर आप इसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे तो इसमें से चीज जो है वो पूरी तरह मेल्ट होने लगेगी। देखिए इसमें से चीज जैसे मेल्ट हो रही है। हमने इनको इतना नहीं कर दें और जहां पर से बिल्कुल हो गया मैं इनको भी सर्व कर लेती हूँ। जी तो ये आपकी बहुत ही मजेदार सी जो है वो चिली चीज बाइट्स आपकी तैयार है। चीज लवर्स के लिए ये बहुत ही स्पेशल डिश है। मुझे चीज बहुत पसंद है और मुझे चिलीज भी पसंद है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाएं, आने वाले मेहमानों को भी खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।